बच्चों, ये नेशनल इनकम जब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 देख रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, इसमें हम लोग देखेंगे, इस न्यूमेरिकल में देखेंगे हम लोग कि नेशनल इनकम अगर आपकी 50 करोड़ है और सेविंग 5 करोड़ है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द APS, APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि हमें अभी सेविंग दिया हुआ है, सेविंग है 5 करोड़। तो ऐसे में हमें ये चीज़ पता है कि इनकम जिसको हम Y से डिनोट करते हैं उसका है C+S। कंजम्पशन बच्चों आती है हमारी, आती है करीब कंजम्पशन आती है कितनी, हमारी कंजम्पशन का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें सेविंग का पता है। तो सेविंग कितनी हमारी, सेविंग है हमारी 5 करोड़ है और इनकम हमारी है 50 करोड़। तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 5 कर देंगे। 50 माइनस 5 जब हम करेंगे तो ये निकल के आएगा 45। क्या निकल के आएगा, 45। ये जो बच्चों 45 है ना, ये जो 45 है, यही 45 जो होगी आपकी कंजम्पशन होगी। अब हमें निकालना है APS, APC। APC का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, वो है आपका कंजम्पशन अपॉन इनकम, C/Y। तो कंजम्पशन कितना है हमारा, 45 है और इनकम है 50। अब इसे सीधे हम लोग 45 डिवाइडेड बाई 50, जब हम ये कर देंगे 45 डिवाइड बाई 50 तो विल गेट विल डिवाइड इट 5 10 5 5 9 जा, तो इसका आएगा 0.9। कितना आएगा बच्चों, 0.9 इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब नेक्स्ट है कि मान लिया इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि अगर व्हेन योर इनकम इज इंक्रीजिंग बाई 60 करोड़ एंड सेविंग इज इंक्रीज बाई 90 करोड़, यानी आपकी इनकम बढ़ जा रही है, तो सब इसमें इन्होंने दो चीज़ निकालने के लिए कहा है, तो इन्होंने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा है, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये एग्जाम में आ चुका है, CBSE के दिल्ली में 2011 में पूछ चुका है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा, अब क्या आएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे APC। क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे APC। तो सीधे बड़ा सिंपल सा है, इस बार भी हम लोग निकाल लेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना निकल के आएगा, कंजम्पशन जैसे आपको दिखाई दे रहा है, कंजम्पशन को हम सबसे पहले हम निकालेंगे कंजम्पशन, तो कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 9 कितना निकल के आएगा, 60 माइनस 9 ये आएगा 51। कितना निकल के आएगा बच्चों, 51। तो 60 माइनस 9 निकल के आएगा 51। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 51 कर देंगे, 51 इज बढ़े तो 51 बच्चों है आपका, ये है आपका कंजम्पशन, ठीक है, 51 आपका कंजम्पशन हो जाएगा और आपकी इनकम है 60, तो 51/60 ये निकल के आएगा 0.85। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था, हमने तुरंत निकाल लिया। लेकिन मान लिया इन्होंने ये पूछ लिया कि अब आपको निकालना है MPC। क्या निकालना है बच्चों, MPC या MPS, इन्होंने MPS मांगा, ओके MPS मांगा है, तो ये तो और ही आसान भी है और मुश्किल भी है। देखो अभी इनकम में कितना राइज हो रहा है, इनकम में राइज होता है 50 से 60 करोड़, तो ये होगा 60 माइनस 50, चेंज इन इनकम हो रहा है और चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, 9 माइनस 5 यानी 4 का चेंज आ रहा है, 4 हो गया। और हमारी इनकम में चेंज कितना आ रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है 60 कितना आ रहा है, 60 माइनस 50 यानी 10 का आ रहा है। तो 10/4/10 कितना निकल के आएगा बच्चों, ये निकल के आएगा 0.4। कितना निकल के आएगा, 0.4। तो हमारा MPS कितना निकल के आया, 0.4।